साल 1660 ईस्वी, दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत कायम हो चुकी थी। औरंगजेब के काल में मुगल खजाने की बढ़ोतरी के लिए किसानों पर भारी कर लगा दिए गए। इस शाही आदेश के बाद देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों से जबरन कर वसूला जाने लगा। तभी ब्रज भूमि के किसानों ने गोकुला जाट के नेतृत्व में किसी भी कीमत पर मुगलिया सल्तनत को कर देने से इनकार कर दिया। दिल्ली के तख्त को अस्वीकार करने पर औरंगजेब ने गोकुला जाट को कैद करने के लिए भारी सेना के साथ ब्रज भूमि पर चढ़ाई कर दी, लेकिन वह गोकुला को कैद करने में नाकाम रहा। औरंगजेब ने लगातार 3 बार ब्रज भूमि पर आक्रमण किया, पर जाटों से हर बार उसको शिकस्त मिली। लेकिन दिसंबर 1669 में मुगलों और जाटों में फिर एक जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस बार मुगल सेना ने गोकुला और उनके हजारों लोगों को बंदी बना दिया। ये सभी बंदी आगरा लाए गए, जहां इन्हें आगरा के बीच चौराहे पर कई टुकड़ों में काट दिया गया। इस घटना के बाद तो मानो संपूर्ण ब्रज भूमि पर किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। यहीं पर गोकुला के पुत्र राजा राम सिंसिनवार को नया सरदार चुना गया। राजा राम सिंसिनवार ने एक सेना का निर्माण किया और 1688 में आगरा के निकट सिकंदरा पर आक्रमण करके अकबर के मकबरे को लूटकर अपने पिता गोकुला जाट की मौत का बदला लिया। इस हमले में जाटों ने मुगलों की बेशुमार दौलत को अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे जाटों का रुतबा बढ़ने लगा, उनके नाम की पहचान होने लगी। बदलते दौर में राजा राम सिंसिनवार के पुत्र बदन सिंह ने आगरा के मुगल थाने पर आक्रमण करके ब्रज के एक बड़े इलाके पर अपना दबदबा कायम कर लिया। तभी जन्म हुआ जाटों के नायाब सितारे का, जिसने अपने शौर्य के ताप से भरतपुर में एक नए साम्राज्य का निर्माण किया, जिसका नाम था सूरजमल। सूरजमल बचपन से ही बड़े वीर, बुद्धिमान और गुस्सेल स्वभाव के थे। छोटी सी उम्र में ही सूरजमल ने मेवात के मेवों पर आक्रमण करके मेवात पर कब्जा कर लिया। 1732 में पिता के आदेश से सूरजमल ने डीग के सोगरियों पर आक्रमण करके डीग सहित एक बड़े इलाके को जीत लिया। इसी समय इस विराट विजय के बाद सूरजमल ने भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया, जहां विधिवत रूप से महाराजा श्री सूरजमल का राज्याभिषेक किया गया। यह वही सूरजमल है जिसने दिल्ली के बादशाहों को 1 महीने तक दिल्ली में कैद कर दिया था। जाटों के अपलातून के नाम से मशहूर महाराजा सूरजमल ने दिल्ली के अकूत मुगल खजाने को अपने कब्जे में ले लिया। बागड़ू की लड़ाई में 7 राज्यों की सेनाओं को एक साथ पराजित करके अपनी धाक कायम कर दी। ब्रज के यह पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। पानीपत युद्ध के बाद मराठों की सहायता के लिए अपने खजाने खोल दिए। वो बड़ा वीर धीर गंभीर था, जिसके शासनकाल में जनता के सुख वैभव को 4 चांद लग गई। डीग भरतपुर के मैदानों से लेकर गंगा की घाटी तक और मेवात रोहतक से लेकर चंबल की धाराओं तक के विशाल साम्राज्य पर महाराजा सूरजमल की हुकूमत थी। वो 2 हाथों में तलवार लेकर दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़ता। ब्रज के हिंदुओं का गुमान था वो, 80 युद्धों का विजेता था वो, जिसके कारण उसे अजय योद्धा माना जाता है। आइए डिमांडिंग पंडित के साथ जानते हैं महाराजा सूरजमल के इतिहास के अनसुने पन्नों की पूरी दास्तान। साल 1743 में जयपुर के गजपति महाराज जय सिंह के निधन के बाद उनके 2 पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच राजगद्दी को लेकर युद्ध छिड़ गया। राजा माधो सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थी, जिसके चलते मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और मराठाओं ने संयुक्त रूप से माधो सिंह को जयपुर का महाराज स्वीकार कर लिया, जबकि भरतपुर के महाराज सूरजमल ने अपने जिगरी मित्र जय सिंह को दिए वचन के लिए और राजपूत परंपरा अनुसार बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह को गद्दी पर बैठाने का निश्चय किया। इसी के परिणाम स्वरूप साल 1743 को बागड़ू के मैदानों में काल के सभी विशाल हिंदू साम्राज्य आपस में भिड़ गए। युद्ध के मैदान में महाराजा सूरजमल ने अप्रतिम शौर्य दिखाया। वीर की बेहतरीन युद्ध नीति और चढ़ती जवानी के खोलते रक्त ने युद्ध का पासा अपने पक्ष में मोड़ लिया। महाराजा सूरजमल को 2 हाथों में तलवार लेकर लड़ते देख राजपूत योद्धाओं ने इस वीर का परिचय पूछा। तभी युद्ध के मैदान में एक मदमस्त दहाड़ सुनाई दी। नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जब जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर।
इस युद्ध में विजयश्री के बाद तो संपूर्ण उत्तर भारत में महाराजा सूरजमल के नाम का डंका बजने लगा। महाराजा ईश्वरी सिंह का जयपुर की गद्दी पर राजतिलक करवा कर महाराजा सूरजमल भरतपुर की तरफ निकले, जहां संपूर्ण ब्रज भूमि महाराजा सूरजमल की जयकारों से गूंज उठी। लोगों को ब्रज के इस चमकते सितारे में अपना हिंदू योद्धा नजर आने लगा। इस भव्य जीत के बाद महाराजा सूरजमल ने अपने राज्य विस्तार के लिए अपनी सेना को संगठित करते हुए भयानक युद्धों का शंखनाद किया। उन्होंने ब्रज भूमि से मुगलों का नामो निशान मिटाने की कसम खाई। जल्द ही महाराजा सूरजमल ने रेवाड़ी, नीमराना, मथुरा, मेवात और गुरुग्राम के किलों को फतेह करके अपने राज्य की सीमाओं को दिल्ली के दरवाजे तक मजबूत कर दिया। इस समय दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर की हुकूमत थी। अहमद शाह ने महाराजा सूरजमल की इस बढ़ती ताकत का जवाब देते हुए अपने वजीर मीर बख्शी के नेतृत्व में एक विशाल फौज को सूरजमल को काबू में करने के लिए भेजा। 30 दिसंबर सन 1749 को मीर बख्शी अपनी विशाल मुगल सेना के साथ जाटों के इलाके में घुस गया। मीर बख्श मेवात को लूटकर आगे बढ़ा और नीमराना के किले पर अधिकार कर लिया। जीत के गुमान में मीर बख्श अपनी सेना के साथ सराय के निकट आ दमका। जल्द ही महाराजा सूरजमल ने भी अपनी तलवार कस ली। ये दिन हिंदुओं का नववर्ष था। महाराजा सूरजमल ने माँ केला भवानी की पूजा करके अपने सेनापतियों को युद्ध का मोर्चा संभालने के लिए भेजा। महाराजा के सरदारों ने आगे बढ़ रही मुगल सेना के दो सेनापतियों को मार दिया। तभी महाराजा सूरजमल भी अपनी सेना के साथ मैदान में उतर गए। देखते ही देखते मीर बख्श की विशाल फौज को चारों तरफ से घेर लिया गया। मीर बख्श की संपूर्ण सेना अब सूरजमल के वश में थी। 3 दिन तक महाराजा ने मीर बख्श को घेरे रखा। अंत में उसने घुटने टेक दिए और जाटों के इलाके खाली करने के साथ हरजाना देने का भी वचन दिया। सूरजमल की मुगलों पर प्रचंड जीत की ये खबर संपूर्ण राजपुताने में फैल गई। सर्वत्र सूरजमल के नाम का रोप पड़ने लगा, क्योंकि सूरजमल ने आज दिल्ली के तख्त को झुका दिया था। वीर की इस बढ़ती ताकत ने सेना में जोश भर दिया। इसी समय दिल्ली के बादशाह अहमद शाह ने अपने वजीर सफदरगंज को पद से हटाकर उसकी सभी जागीरें जब्त कर ली। सफदरगंज ने अपने एहसान फरामोश बादशाह को सबक सिखाने के लिए अपने अजीज मित्र सूरजमल से सहायता की गुहार की। मित्र की पुकार पर मई सन 1553 में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी और दिल्ली के नवाब गाजियुद्दीन की सेना पर प्रचंड आंधी के समान टूट पड़े। सूरजमल के प्रकोप से बचने के लिए गाजियुद्दीन युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। छात्र धर्म की धरती वीर जना करती है, तलवार हो सूरजमल सी वो दिल्ली फतेह करती है। 9 मई से 4 जून तक जाटों ने पुरानी दिल्ली में अपनी मनमर्जी चलाई। 16 मई को तो उन्होंने वहां खूंखार तरीके से उधम मचाई। दिल्ली की जर्जर बादशाहत किले में कैद हो गई। उनमें अब सूरजमल की सेना से टकराने की ताकत नहीं रही। इस दिन को इतिहास में दिल्ली विजय के नाम से जाना जाता है। अंत में खान सफदरगंज को अवध और इलाहाबाद की जागीरें वापस लौटा दी गई। तब जाकर सूरजमल का क्रोध शांत हुआ। दिल्ली की हार का बदला लेने के लिए नवाब गाजियुद्दीन ने दक्षिण के वीर मराठाओं को राजा सूरजमल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उसने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को सूरजमल पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मल्हार राव ने अपनी सेना के साथ कुम्हेर के किले पर चढ़ाई कर दी। तभी कुम्हेर के किले के तोपचियों ने तोप चला दी, जिससे मल्हार राव के वीर पुत्र खंडेराव शहीद हो गए। अपने पुत्र की मृत्यु के शोक की आग में मल्हार राव गुस्से से तप उठे। उन्होंने अपनी सेना को आगे बढ़ाया। तभी सूरजमल की रानी हंसिया देवी ने जियाजी राव सिंधिया को पत्र भेजा। इस पत्र के बाद मराठों और जाटों में मित्रता स्वरूप संधि हो गई। तय हुआ कि हिंदू राज्य आगे साथ मिलकर रहेंगे, आपस में टकराव नहीं बनाएंगे। अब भारत की स्थितियां काफी बदल चुकी थी। कोई समय क्रूर और मजबूत कहा जाने वाला मुगल साम्राज्य इस समय काफी कमजोर हो चुका था। दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की हुकूमत थी। इधर दक्षिण में वीर मराठाओं ने स्वराज्य की ऐसी आंधी चलाई कि अटक से कटक तक भगवा लहरा दिया। दिल्ली के बादशाहों पर भी मराठाओं का हुक्म चलने लगा। बादशाह भी मराठाओं के कोप कहर से भयभीत रहने लगे। मराठा साम्राज्य इस दौर में भारत की एक नई ताकत बनकर उभरा। इसी समय काबुल का बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर भयंकर आक्रमण करके दिल्ली को जीत लिया।
इधर मराठाओं ने पेशवे सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में विशाल सेना अब्दाली को भारत से खदेड़ने के लिए भेजी। भाऊ पेशवा ने जल्द ही जवाबी हमला करते हुए दिल्ली को जीतकर केसरिया ध्वज लहरा दिया। तभी भाऊ ने दूसरे हिंदू राज्यों से अतिरिक्त सैनिक सहायता की मांग की। भाऊ की एक पुकार पर भरतपुर के महाराजा सूरजमल अपनी संपूर्ण सेना के साथ भाऊ की मदद को पहुंच गए। उन्होंने भाऊ को तन मन धन से मदद करने का वचन दिया, पर युद्ध से पहले ही भाऊ साहेब और महाराजा सूरजमल के बीच मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप महाराजा सूरजमल अपनी सेना लेकर वापस भरतपुर लौट गए। इसके बाद जनवरी सन 1761 को पानीपत के मैदानों में भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ अफगानियों की अत्यंत विशाल सेना, जिसमें मुगल सेना भी शामिल थी, दूसरी तरफ अकेले मराठे। दुर्भाग्य से इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद हारे हुए मराठा वीरों के लिए महाराजा सूरजमल ने अपने किले के द्वार खोल दिए। घायल मराठा सैनिकों की मदद के लिए महाराजा सूरजमल ने अपने खजाने से 10 लाख रुपए की सहायता की। मराठाओं की दवा दवाई, खाने और कपड़ों का पूरा इंतजाम किया गया। इधर पानीपत में अफगान और रुहेलों की जीत जरूर हुई, पर मराठाओं ने उनकी कमर तोड़ दी थी। तभी महाराजा सूरजमल ने अपनी सेना तैयार करके आगरा को फतेह कर लिया। आगरा के किले को जीतने के बाद महाराजा ने हरियाणा के बलूचियों पर दावा बोलकर वहां के नवाब को कैद कर दिया। हरियाणा के फरुख नगर को जीतकर अपने पुत्र जवाहर सिंह को वहां का सरदार नियुक्त कर दिया। सूरजमल ब्रज की पवित्र धरा से मुगलों पर प्रकोप बन चुके थे। आगरा से लेकर दिल्ली दरवाजे तक सूरजमल के नाम की तूती बोलने लगी। दिल्ली के रुहेला सरदार नजीबुद्दौला ने सूरजमल के राज्य की सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर कूच कर दिया। नजीबुद्दौला को अहमद शाह अब्दाली का पूरा समर्थन था। सूरजमल के दिल्ली कूच की खबर सुनकर उसने एक बार फिर अहमद शाह अब्दाली से मदद मांगी। नजीब ने अपनी सेना को तैयार करके दिल्ली के चारों ओर के फाटक बंद कर दिए। इधर महाराजा सूरजमल के एक आदेश पर दसियों गांवों के जाट एक होकर महाराजा की सेना में शामिल होकर दिल्ली को घेर लिया। जाटों की सेना दिल्ली के निकट यमुना और दोआब के मैदानों में थी और शाही सेना दिल्ली नगर की चार दीवारी के अंदर थी। उसी समय महाराजा सूरजमल केवल 30 घुड़सवारों के साथ शहर का द्वार तोड़कर विशाल शत्रु सेना के बीच में जा पहुंचे, जहां युद्ध लड़ते हुए वीर गति पा गए। महाराजा की मृत्यु के बारे में इतिहासकारों के अनेक अलग अलग मत हैं, पर जो भी हो, 56 साल की उम्र में हिंद धरा का वीर सपूत दुनिया से विदा हो गया। हिल गया गगन, झुक गया जहां सारा, लड़ता रहा स्वाभिमान के लिए, पर कभी न झुका सूरज हमारा। एक सामान्य धरा से उठकर महाराजा ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उसके राज्य का खर्च 60 लाख सालाना था, जबकि उसका राज्य 2 करोड़ की आमदनी का था। अपनी मृत्यु के समय उन्होंने 10 करोड़ का खजाना राजकोष में छोड़ा था। उसकी सेना में प्रत्येक जाति का सैनिक लड़ता था। उसके किले को आज तक कोई नहीं जीत पाया। छोटे बड़े 80 युद्धों का विजेता था वो। वो परम स्वाभिमानी कृष्ण भक्त था, जिसको गायों से अत्यंत प्रेम था, जिसने अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाकर खुद को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। महाराजा सूरजमल के बाद जवाहर सिंह जटवाड़ा साम्राज्य के राजा बने। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।